पवनसुत हनुमान की जय। सभा बिच तुलसीदास की जय। पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति जाए ना तोरे उमरिया।
आइए प्यारे संतों चर्चा करने का प्रयास करें। आखिर सर्वश्रेष्ठ युग, सबसे पहले मुझे ये बताइए युग कितने होते हैं? युग कितन होते? वो पांच था, चार। सबसे पहला क्योंकि इसी पर चर्चा करनी है। पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता युग जहां भगवान राम का आज रामनवमी का पावन अवसर है, तीसरा द्वापर और चौथा है प्यारे संतों वो कलयुग है। और इसी कलयुग पर हमें और आप सभी को आज चर्चा करनी है पावन मंच के माध्यम से। सबसे पहले बाबा जी महाराज लिखते हैं क्या, कृत युग सब जुगे, कृत युग सब जोगी विज्ञानी। समझने का प्रयास करें, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। कृत युग मने सतयुग, सतयुग एकमात्र ऐसे युग है प्यारे संतों जहाँ केवल हरि ध्यान करके शिव प्राणी भव सागर से पार हो जाते हैं। हरि नाम का ध्यान करके इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। लेकिन त्रेता विविध यज्ञ नर करे, त्रेता युग जहाँ भगवान राम माता जानकी जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज जिनकी चर्चा हम रामचरितमानस में करते हैं, ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग जहाँ त्रेता विविध यज्ञ नर करे ही प्रभु ही समर्पित कर्म भव करे ही। सतयुग में केवल हरि धाम यानी कि हरि का नाम ध्यान में करके व्यक्ति भव सागर से पार होते थे। लेकिन त्रेता युग कैसा है? त्रेता युग कैसा है? बाबा जी महाराज लिखते हैं कि त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। यज्ञ हवन पूजा पाठ जहाँ होता है प्यारे संतों वो है त्रेता युग। अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं तब कहीं जा करके उनके कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भव सागर से पार होते थे। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते थे। तो क्या करते थे? तो यज्ञ करते थे। यज्ञ करके व्यक्ति जो है भव सागर से पार होते थे। अब कौन सा युग आया? सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर। अब द्वापर युग में क्या लिखते हैं बाबा जी महाराज? द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर युग में क्या करते हैं सभी लोग? भगवान जी के चरणों की पूजा करके नर भव तरहि उपाय न दूजा। क्या लिखते हैं बाबा जी महाराज कि नर भव तरहि उपाय न दूजा। मनुष्य इस संसार सागर से तरता कैसे है तो दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल केवल क्या करना है तो पूजा करना है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा। केवल भगवान जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य इस संसार से क्या हो जाता है तो भव सागर से पार हो जाता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये कौन सा युग है? तो द्वापर युग है। लेकिन हमें चर्चा करना है कलयुग की महिमा। आखिर कलयुग की महिमा अनंत है, अपार है, इसके समान कोई दूसरा युग हो ही नहीं सकता और इसी पर हमें चर्चा करनी है। लेकिन कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग कैसा है? कलयुग में ना तो योग चाहिए और ना ही यज्ञ करना होता है। ना योग करो और ना ही यज्ञ करो, मने क्या करो? तो केवल केवल भगवान जी का नाम का स्मरण करके, भगवान जी के नाम का स्मरण किए मात्र से ही परमात्मा हमें मिल जाते हैं। और सारे भरोसे को त्याग करके, हमारे कितना भरोसा आशा विश्वास रखते हैं इनको त्याग करके जो भगवान जी को भजता है वही इस संसार सागर से यानी कि भव सागर से पार होता है। ऐसा है कलयुग। सोई भवर तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। वही भव सागर से पार होता है। कलयुग की महिमा एकमात्र केवल रामचरितमानस में ही नहीं बल्कि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें वर्णन है कि कलयुग ही एकमात्र ऐसा युग है। केवल हरि के भजन किए मात्र से ही, मिठी मिठी ताली का सहयोग हम सभी आप सभी को बोलते हैं ना, मिठी मिठी ताली का सहयोग दे। केवल इसी हरि नाम से ही, इसी ताली के भजन के साथ ही मनुष्य जो है कलयुग भव सागर से पार हो जाता है। और इसी कलयुग की महिमा का वर्णन आज हमें आप सभी के बीच करना है।
तब बाबा जी महाराज लिखते हैं, कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुन गन विमल भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग समझुग आन नहीं, यदि मनुष्य विश्वास करे तब, ये बात विश्वास किया ही ना, अगर मनुष्य विश्वास करे तब कलयुग के समान और कोई दूसरा युग हो ही नहीं सकता। अगर विश्वास करे तब, आप मन विश्वास करते हो कि नहीं करो, करते ना, करते कि नहीं करो, एकदम सुकुर्दम हो जाते हो, सुकुर्दम नहीं बैठना है, थोड़ा हुंकारू देना है निवेदन के साथ, सभी उमर गांव वाले भीड़ बहुत ज्यादा है तो कम से कम हुंकारू देना है, कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं है, है कि नहीं है, कि सतयुग रहता है कि द्वापर है, तुम्हारा का लागत है आज अंतिम दिवस है तो कुछ तो पता चलीस हो ही ना, का लागत है वो कलयुग ना, तो कलयुग के समान और कोई दूसरा युग हो ही नहीं सकता यदि हम विश्वास करें तो, क्योंकि कलयुग में ना ही हमें योग करना पड़ता है, ना ही यज्ञ का हवन करना पड़ता है, केवल सहज ही भगवान के नाम को स्मरण के मात्र से ही हमें परमात्मा मिल जाते हैं, केवल हरि नाम। और कैसा तो व्यक्ति के मन में अगर निस्वार्थ भाव हो तब कहीं जाकर के भगवान हमें मिलेंगे कलयुग की बात। और कैसे तो निर्मल मन जन जो मुही पावा, निर्मल मन जन सो मुही पावा, वही व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त कर सकता जिनका मन निर्मल हो। मन यदि निर्मल हो प्यारे संतों तो भगवान सहज ही मिल जाते हैं, और यही कलयुग की महिमा है। सहज अगर प्राप्त करना है तो व्यक्ति के मन में निस्वार्थ भाव से, क्योंकि पूरा संसार जानता है कि स्वार्थ लाग कर रही सब प्रेति, सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं, ये स्वार्थ ना होता तो कोई किसी को अपना नहीं कहता, लेकिन कलयुग यही कहता है केवल और केवल स्वार्थ से भरा हुआ है, तो भगवान कहाँ से मिलेंगे, भगवान कहाँ से मिलेंगे यदि व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं निस्वार्थ भाव से अगर हम भगवान को पूजेंगे तो निश्चित रूप से कलयुग में केवल नाम के स्मरण से भगवान हमें मिल जाएंगे। ऐसे ही कलयुग, और इसी कलयुग में रह करके हमें और आपको अच्छे कर्म करना है, अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से ये कलयुग है, कहते हैं ना कलयुग सहज ही भगवान मिल जाएंगे नाम का स्मरण किए मात्र से, लेकिन व्यक्ति करेगा तब ना, व्यक्ति तो माया और मोह के बंधन में ऐसे जकड़ गया है तो भगवान को पूजना नहीं चाहते हैं, भगवान को मानना नहीं चाहते हैं, भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, तो कहाँ से मिलेंगे कलयुग में भगवान। कलयुग में केवल और केवल आशा और विश्वास की कमी है प्यारे संतों, जिस दिन ये आशा और विश्वास हमें आ जाएगा भगवान के प्रति तो निश्चित रूप से सहज ही में प्राप्त हो जाएंगे, ये कलयुग है। लेकिन ऐसे कलयुग में का आजकल 3G 4G 5G के बाद अब मोबाइल जी, ये देखा तो नहीं है, देख किशम किशम के मोबाइल हैं कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं रही, लेकिन कलयुग में कहीं ना कहीं हम भगवान को भज नहीं पाते हैं, भगवान के भजन कीर्तन कथा को सुन नहीं पाते, कहीं ना कहीं विशेष एक ये कलयुग आजकल 3G 4G 5G के बाद अब मोबाइल जी, अरे वहारे मोबाइल तो रूप हावे कैसन, और तोरो आयले ये जमाना हो गए कैसन, आई कहाँ के वहीं से कहाँ सब गोठिया थे, चाहे ममा तई कान में तुरते सुना थे, आई नहीं लागे खरी खजाने नहीं लागे पैसा, मोबाइल धरा दे तन चुप हो जाते लेका, मोबाइल धरा दे तन चुप हो जाते लेका। आजकल खाना वाना बनाए पर घलोक नहीं आए तब कैसे करते कलयुग में, कैसे चूरी फूल गोभी भरता कैसे बनही, आई गूगल में जाके पूछबे तो तुरते बताते बहनी, गूगल में जाके पूछबे तो तुरते बताते, ये कलयुग के महिमा है। तो कहाँ से मिलेंगे भगवान, अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान हमारे समीप हो अगर हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं भजन कीर्तन और सत्संग से जुड़ना बहुत जरूरी है। अब जब तक सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो भगवान हमें कहाँ से मिलेंगे, बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न धीर अनुराग। ये बाबा जी महाराज अपने उत्तर कांड में लिखते हैं कि बिना सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती,
और जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब हमारा मोह और माया नहीं जाएगा, और मोह और माया अगर नहीं जाएगा तो मान के चलिए भगवान जी के चरणों में प्रेम, भगवान जी के चरणों में अनुराग हो ही नहीं सकता। प्रेम और अनुराग होगा कब, जब हम और आप सभी सत्संग करेंगे। सत्संग करेंगे तो हमारा मोह और माया जाएगी, और मोह और माया जिस दिन समाप्त हो जाएगा यकीन मानिए भगवान जी के चरणों में प्रेम होगा, अनुराग होगा, और यही सत्संग की महिमा है। सत्संग करेंगे तो भगवान मिलेंगे, तभी कलयुग समझुग आन नहीं जौ नर कर विश्वास, तभी जो है कलयुग में सहज ही भगवान मिल जाएंगे। भगवान कैसे मिलेंगे, एक छोटे से भजन के बाद चाहेंगे मीठी मीठी ताली के सहयोग और संगे संग थोड़ा गुनगुनाना भी है भाई। आप मन तो एकदम टीवी के सामने कैमरा ला ही देखते रही जाते हो, मुला लागा थे भाई वही है नहीं, कम से कम सुनना है और सुन करके भजन गाना है मीठ मीठ ताली के साथ। काबर बोलने को दी जुबा तू बोलता नहीं, बोलने को दी जुबा तू बोलता नहीं, लेने को हरि नाम मुख खोलता नहीं। अरे आज का ना बोलना तुम्हें उस दिन याद आएगा, अरे तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, अरे तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए मीठी मीठी ताली के साथ भजनों को भी गुनगुनाने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित ही कलयुग में भगवान हम सभी को मिलेंगे। आओ एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोलना जरा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है,
बोल रहा है रामचंद्र भगवान की जय। आइए चर्चा करने का प्रयास करें। गाई राम गुण गण विमल, गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। केवल भगवान जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा करके ही बिना कोई परिश्रम के मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं कलयुग में हमें सत्संग करना है, तब कहीं जाकर के भगवान हमें मिल जाएंगे। एक व्यक्ति का मैं दृष्टांत देना चाहूंगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी से निवेदन है, सबसे निवेदन है थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक व्यक्ति का नाम है बाबूलाल। शायद वो सत्संग से विमुख था, जिसके कारण उसका मन बिगड़ा, जिसके कारण कलयुग में भगवान जी की चरणों का वो आश्रय नहीं ले पाया। एक व्यक्ति का नाम है बाबूलाल। तुम्हार का मोहित हमार कथा एकदम काल्पनिक है भैया, बता देता हूँ पहली बार, ठीक है ना कि हावे वो एको जान नहीं है ना। चलिए व्यक्ति का नाम है बाबूलाल। व्यक्ति के नाम का है बाबूलाल। हुकारू दे रहे हैं भाई, व्यक्ति के नाम बाबूलाल। व्यक्ति के बाबूलाल के कौन कौन रहा है? तो बाबूलाल के घर वाली और बाबूलाल के महतारी के जन, तो तीन जन बड़ा सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत होत रहा है। बाबूलाल बड़ा प्रसन्न कि मोर बस तीन जने जनसंख्या, एक तो स्वयं और एक तो बाबूलाल के घर वाली और बाबूलाल के महतारी। बड़ा सुंदर सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत होत रहा है। एक समय की बात है कि बाबूलाल के महतारी ये दुनिया ने चल बसी। बाबूलाल के कौन है? महतारी है ये दुनिया ने चल बसी। बाबूलाल रोवत है, इतना रोवत है कि पूछो मत। बाबूलाल चिल्ला चिल्ला के रोवत है, मैं कौन ला महतारी कहूँ, मैं कौन ला महतारी कहूँ, मैं कौन ला महतारी कहूँ, के चिल्ला चिल्ला के रोवत है। गांव वाला मां सब समझा डरी, बाबूलाल ये दुनिया में आ है तिला जाए लाला थे। बाबूलाल ये दुनिया में तो महतारी हाथ की तिले लिखाए रिजगा के बड़ समझाते हैं, लेकिन बाबूलाल समझे के नामे चने लेते। जितना भी उम्र गांव खिला, जितना सियान है ते वो सब जन समझा डरी बाबूलाल ला, ते का बनी समझसगा बाबूलाल ये दुनिया में आ है ओला जाए लाला थे। बाबूलाल वैसे ढंग तो महतारी घर भगवान कर चल दिसगा। समझा समझा दे 11 बज के वो फिर बाबूलाल ने समझी। अब बाबूलाल ने समझी सुना दे तो सियान रीस ना, तो सियान मन हा नी समझी सोकर से तो मई लोगन मन भज जाओ तो वो तुम समझा बाबूलाल ला। हमन तो समझा समझा था के ये बाबूलाल समझे के नामे नहीं लेते। तब गांव के मई लोगन मन समझाई कस बाबूलाल तोर महतारी तो खत्म होए कगा भगवान कर चल दीस। तब एक झन मई लोगन ह खड़े होके कथे जोर से चिल्ला के बाबूलाल ला, कस बाबूलाल ते हमर अतका बिल्ले समझा थन गा ते काबर नहीं समझा था। तेतकी में एक झन ह महतारी खड़े होके कथे ले बाबूलाल तोर महतारी तो मरे है, ये बाबूलाल तोर महतारी तो मरे है, आज के बाद हमलापन का कबे तो महतारी कबे। बाबूलाल चुप होइस, क्रिया कर्म करिस, पच्छर दिन बीतर है वो। बाबूलाल के घर वाली ये दुनिया में चल बसी, बाबूलाल के घर वाली ये दुनिया में चल बसी। अब बाबूलाल के रोई तो खतरनाक, इतना रोवत है कि पूछो मत। मैं कौन ला घर वाली कहूँ, मैं कौन ला घर वाली कहूँ, क्योंकि बाबूलाल के तो रोई ठिकाना नहीं है। बाबूलाल कहा थे ते पतंजलि बिस्कुट लाएस वो तो हम 50-50 खान, ते फेयर लवली मंगास तो मैं रूप अमृत लाओ भी के चिल्ला चिल्ला के रोवा थे। बाबूलाल के तो रोए तो ठिकाना नहीं। गांव के सियार मन बड़ समझा डरी, फिर समझा थे बाबूलाल। बाबूलाल तोर जोड़ी अतके दिन में लिखा रिस, बाबूलाल तोर घर वाली अतके दिन लिखा रिस गा, ते का बर रोवा था। बाबूलाल के तो रोए के ठिकाना नहीं। बाबूलाल समझे के नामे नहीं लेते। बाबूलाल फिर चिल्ला चिल्ला के रोवत है, मैं कौन ला घर वाली कहूँ, मैं कौन ला घर वाली कहूँ, क्योंकि बाबूलाल के रोए ठिकाना नहीं। फिर भेजी सियार मन उमर गांव के, जाओ तो गा ओदारी कैसे समझा रहे हो बाबूलाल, उदारी समझाओ तो की के। फिर गांव महिलों का मन समझाओगा, तुमन बड़ा अच्छा समझाए हो तुमन। हाँ
फिर समझात बाबूलाल ला बाबूलाल ते रोवत कबर हसगा तोर जुग जोड़ी अतकीती ले लिखारी से वो भगवान कर चल दी तोर अतकीती ले लिखारी से बाबूलाल तो समझे के नाम नहीं ले होते। फिर बाबूलाल कथे ओ दारी कैसे समझाए रहे हो कदे दारी का वो दारी ये बाबूलाल पूछ मन तो के हो ये बाबूलाल तोर महतारी तो मरे है ये बाबूलाल तोर महतारी तो मरे है आज के बाद हमलापन का कबे तो महतारी कबे उसने को जन समझाओ ना कथे यानी कि बाबूलाल के मन बिगड़े रही से मन ए मनुष्य नाम बंधनम मोक्ष कारणम आपके मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन ही बिगड़ा हुआ है तो कलयुग में हरि नाम कितना भी भजो भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान तो उन्हें मिलते हैं जो सच्चे प्रेम से सच्ची आशा और विश्वास के साथ भगवान को भजते हैं। प्यारे शब्द उसी को भगवान मिलते हैं। तभी बाबा जी महाराज लिखे कि कलयुग सब युग आन नहीं जो न रखकर विश्वास और गाई राम गुण गन विमल भवतर भी नहीं प्रयास उन्हीं को भगवान मिलेंगे। आइएगा पीला बत्ती का संकेत है माता रानी को याद करेंगे सभी से चाहेंगे अगर जो जो हाजिरी लगाना है हाजिरी लगाना चाहते हैं आज अंतिम दिवस है तो बिना संकोच हमारे हनुमान जी महाराज के संगे संग आप सभी को भी चूमना है निवेदन है। जो पचता नहीं वो खाना क्यों और राम जी के दरबार में जो नाचे उसे शर्माना क्यों तो निवेदन है। इसी बात को ध्यान में रखते हैं मीठी मीठी ताली के साथ जो हाजिरी लगाना चाहते हैं भगवान जी के दरबार में बिल्कुल खड़े होकर के बोलो दुर्गा मैया की लखन चंद्र शंकर हरियो तोर भुवन उदय तोर भुवन तोर भुवन बोले वो
शक्ति माँ भवानी।